जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी अजहर, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, शादी के झूठे वादे किए, प्यार की झूठी तसल्लियां दी, और न जाने कितने लड़कियों के साथ तुमने ऐसे वादे किए होंगे। लेकिन अब मैं ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगी। जब ये वीडियो तुम्हें मिलेगी ना, तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, और मेरी मौत के समय तक सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। मारिया, रोने से मसले हल नहीं होते। ये बताओ कि तुम सादिया को कब से जानती हो? हम दोनों का ताल्लुक लाहौर से है। सादिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, और अपने यही शौक पूरा करने के लिए मैं लाहौर से कराची आई, मेहनत की, एक्टिंग में नाम बनाया, और फिर कुछ दिन बाद मुझे सादिया की कॉल आई। हेलो, कौन? मारिया, मैं सादिया बात कर रही हूँ। अरे सादिया, कैसी है मेरी जान, क्या हाल है, किधर गायब हो? अच्छा बच्चों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो अभी जमीन पर ही हूँ, लेकिन शायद आप एक्टर बनने के बाद हवाओं में उड़ने लगी हैं। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस मसरूफियत को ज्यादा हो गई है। तुम बताओ, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि मैं भी कराची आ रही हूँ। वाकई तुम सच में कराची आ रही हो? हाँ यार, मैंने सोचा कि मैं भी टीवी पे ट्राई कर लूँ, क्या पता तेरी तरह एक अच्छी आर्टिस्ट बन जाऊँ। अरे हाँ यार, क्यों नहीं, बस तुम एक दफा कराची आ जाओ, फिर देखो खूब मौज मस्ती और हंगामा करेंगे। अच्छा चल ठीक है, तो मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दे, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ये सलमान कहाँ है? जी जी सर। सलमान, ये मेहरू कहाँ है? सर 3 दफा कॉल कर चुका हूँ उनको, हर दफा मुझसे यही कह रही होती कि मैं रास्ते में आ रही हूँ। इन लड़कियों के तो यही मसले हैं, जरा सा काम मिला नहीं कि इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। जाके दूसरा सीन प्लान करो। ओके सर, करो। क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बस क्या बताऊं, इस मेहरू ने तो परेशान करके रख दिया मुझे। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? क्योंकि मैं मजीद मेहरू के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ सर, एक लड़की है तो, लेकिन उसने पहले कभी एक्टिंग की नहीं है। तो क्या हुआ, वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम जल्दी से मेरी उससे मुलाकात करवा दो। ओके सर, थैंक यू। दो दिन बाद सादिया मेरे घर आई। वैसे एक बात है सादिया, तुम बिल्कुल नहीं बदली। वो सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। ये सब मेरे लिए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। अरे पागल, तुम तो बच्चों की तरह खुश हो रही हो। यार तुम तो जानती हो मुझे कितना अच्छा लगता है अगर कोई मुझे गिफ्ट दे तो। अब खोल के नहीं देखोगी किसमें क्या है? नहीं,
मैं इनको अभी नहीं खोलूंगी। पहले तुम ये बताओ मेरे घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। पता है आंटी को जब पता चला मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो वो कितना खुश हुई। उन्होंने इतना कुछ दिया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी मुश्किल से यहाँ लेकर आई हूँ। और तुम्हारे घर में सब ठीक है? हाँ यार बस क्या बताऊँ, अब्बू के इलाज और घर के हालात को लेकर काफी परेशानी चल रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूँ, अब्बू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैंने तुम्हारे लिए एक डायरेक्टर से बात की है, उन्होंने सुबह ऑडिशन के लिए बुलाया है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। अरे ये शुक्रिया कैसा पगली, तुम मेरे लिए इतना कुछ जो कर रही हो। पागल है क्या पगली, तू मेरी दोस्त नहीं है बल्कि मेरी बहन है। अच्छा ये बताओ इसमें क्या है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, शुरू में ऐसा होता है। और जब तुम अजहर सर के साथ काम करोगी ना तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम पहली दफा एक्टिंग कर रही हो। अजहर सर की यही स्पेशलिटी है, वो हमेशा न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मारिये ठीक कह रही है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और जब तुम शूट पर आओगी तो तुम्हारा डर भी निकल जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। तुम्हारी आवाज भी अच्छी है और तुम में टैलेंट भी है, तुम पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। थैंक यू सर। वेलकम। बैठ जाओ। बस अम्मी अब आप परेशान नहीं हो, आपकी दुआओं से मुझे यहाँ पे काम मिल गया है और अब हम अब्बू का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और हिम्मत मत हारिएगा, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गुड, वेल डन, जबरदस्त। थैंक यू सर। यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम पहली बार कैमरा फेस कर रही थी। थैंक यू सर। अरे वाह सादिया, तुम तो छुपी दोस्तम निकली। ये तो एक छोटा सा करेक्टर था, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे साथ बड़ा प्रोजेक्ट करूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। सलमान मेरे साथ आओ। क्या वाकई आज मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की? क्यों तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बस ठीक ही तो थी एक्टिंग। लेकिन सर अजहर तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द मुझे किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए साइन करेंगे। देख मेरी जान, इस फील्ड में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे और कुछ लोग तेरी बुराई। लेकिन तू किसी की बातों में मत आना। और ये भी हो सकता है कि अजहर को तेरी एक्टिंग से ज्यादा तू पसंद आ गई हो। चल सब छोड़, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खाती हूँ। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि अजहर को सादिया की एक्टिंग से ज्यादा वो पसंद आई? क्योंकि एक दिन अचानक वो मेरे घर आया और सादिया को लीड करेक्टर ऑफर की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर कैसे? तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। सर ये कहने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मुझे फोन ही कर देते। कुछ बातें फोन पर अच्छी नहीं लगती। अच्छा तो फिर बताएं सर वो गुड न्यूज क्या है। एक्चुअली कल मेरी प्रोड्यूसर से मीटिंग थी, मैंने उन्हें तुम्हारा ऑडिशन दिखाया, उन्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम्हें लीड करेक्टर कास्ट करने के लिए मुझे कहा है। क्या सच कह रहे हैं सर आप? अरे मैं तुमसे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया था कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए तुमसे 2 महीने चाहिए। ये कहकर तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर।
थैंक यू। मारिया तुमने सुना सर मुझे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लीड कैरेक्टर के लिए कास्ट कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो है, और इस बात के लिए साजी को ट्रीट देना होगी। जी जी सर, जब आप कहें आप बता दीजिएगा कब और कहाँ, मैं ट्रीट बिल्कुल दूंगी। जब तुम्हारे पास टाइम हो हम डिनर पे चलेंगे। जी जरूर। सर इस प्रोजेक्ट के लिए अगर मेरे लिए कोई कैरेक्टर हो तो? नहीं मारिया, मैंने प्रोड्यूसर से तुम्हारे लिए बात की थी, लेकिन तुम बाबी के कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जरूर कास्ट करूंगा। बस फिर उसके बाद उसने अजहर के साथ हर प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया। गलती मेरी थी जो उसे अजहर से मिलवाया। उस दौरान अजहर और सादिया का रिलेशन किस हद तक था कुछ अंदाजा है तुम्हें? ये तो आप अजहर से कंफर्म कर लें। उन दोनों के दरमियान कभी किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, एक दिन शूट पर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और गुस्से में अजहर ने पता नहीं उसे बहुत बुरा भला कहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अजहर ने उसे धमकी दी? हाँ, अजहर ने सादिया को धमकी दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इनकार करने की? मैं प्रोड्यूसर को डन कर चुका हूँ। आपको उनको यकीन दिलाने से पहले एक बार मुझसे कंफर्म कर लेना चाहिए था, मैं अपनी डेट्स किसी और को दे चुकी हूँ। तो अब तुम इतनी बड़ी स्टार हो चुकी हो कि मैं तुमसे पूछ के काम करूंगा? ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? शोहरत मिलते ही तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सर मैं बहुत इज्जत से आपसे बात कर रही हूँ और एक आप हैं कि जो मुंह आए चले जा रहे, बोले चले जा रहे। मैंने आपको इसलिए मना किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट कर चुकी हूँ। देखता हूँ कि किस तरह तुम ये सीरियल करती हो। कुछ दिन पहले ही सादिया की बर्थडे थी, वो बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया कि अजहर उससे शादी करने वाला है। Are you sure? कि सादिया ने तुमसे ये सब कुछ कहा? जी हाँ। लेकिन तुमने तो हमें ये बताया था कि अजहर पहले से शादीशुदा है। मैं उसको बहुत समझाती थी लेकिन वो बहुत भोली थी, अजहर की बातों में आ गई। समझ में नहीं आ रहा कि सादिया और अजहर की लड़ाई थी लेकिन फिर भी सादिया उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। इस तरह की लड़ाइयां तो अक्सर सेट पर हो जाया करती हैं। हो सकता है अजहर ने बाद में सॉर्ट आउट कर लिया हो, वो बहुत तेज इंसान है। यकीन नहीं आता कि अजहर जैसा बड़ा डायरेक्टर भी ऐसा कर सकता है। वो ऐसा ही है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जैसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम तुमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। हमें अजहर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना होगा। मैं अजहर को कल ही इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता हूँ। लेकिन हम जरूर एक ना एक दिन एक होंगे और वो दिन सब प्यार करने वालों के लिए फतेह का दिन होगा और रोमियो जूलियट के साथ, हीर रांझे के साथ, और मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाऊंगा। तुम्हारी इन्हीं सब बातों की वजह से तो आज मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। कट, वेल डन, गुड शॉट। थैंक यू। वेलकम। यार सलमान, नेक्स्ट सीन की तैयारी करवाओ, इन दोनों को ड्रेस चेंज करवाओ और ओके आ जाए। नेक्स्ट सीन हम टेरेस पे करेंगे। ओके अजहर सिद्दीकी जी, हम
अहमद हुसैन फ्रॉम SIB. मुझे तुमसे सादिया के सुसाइड केस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करना है. जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा. लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, शादी के झूठे वादे किए, प्यार की झूठी तसल्लियां. आप मेरा यकीन कीजिए, उस दिन सादिया पे मैं गुस्सा जरूर हुआ था. उसके बाद मैंने SMS करके उसे सॉरी भी बोल दिया था और उसने रिप्लाई भी किया था. इट्स ओके सर, मुझे उस दिन आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. आई एम सॉरी, रियली सॉरी. ये भी तो हो सकता है कि तुमने किसी तरह सादिया का मोबाइल हासिल कर लिया हो और उसके नंबर से अपने नंबर पर SMS सेंड कर दिया हो ताकि तुम पर किसी का शक ना जा सके. अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर. अब ये भी बता दो कि अब तक कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा चुके हो. कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे इस मासूम चेहरे के पीछे किस कदर भयानक चेहरा छुपा हुआ है. आप मेरा यकीन करें, मैंने कभी सादिया से इस किस्म की बात की ही नहीं है. मैंने तो हमेशा उसे अपनी बहनों की तरह माना है. फिर उसने मरने से पहले तुम्हारा नाम क्यों लिया? मुझे वाकई नहीं पता कि उसने मेरा नाम क्यों लिया. सर मैं ये वीडियो एक बार देख सकता हूँ? दोबारा देखने से भी तुम बेकसूर साबित नहीं हो जाओगे. सर प्लीज एक बार. मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी सर, तुमने मुझे धोखा दिया, शादी. सर ये देखिए सर, शादी के पीछे कोई है. मतलब ये है कि उस दिन सादिया के साथ वहाँ कोई और भी था. मुझे मारिया पे पहले शक था. हमें मारिया के अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को एक बार देख लेना चाहिए. लेकिन एक बात का ख्याल रहे हमारा कि मारिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए. चोर चोरी करने में कितना ही शातिर क्यों ना, अपना मार्ग जरूर छोड़ जाता. हम जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ. क्या मतलब? मतलब ये कि सारा प्लान मारिया का ही बनाया हुआ है. यानी मारिया पे हमारा शक सही था. जी बिल्कुल, और जिसे हम सुसाइड समझ रहे थे वो दरअसल एक प्लान्ड मर्डर था. तुम्हें वहाँ से कोई एविडेंस मिले हैं क्या? जिस दिन सादिया का मर्डर हुआ उस दिन की CCTV फुटेज में ये साफ जाहिर है कि मारिया घर में पहले से मौजूद थी और सादिया बाद में आई, और कुछ देर बाद मारिया घबराई हुई घर से बाहर निकली और वही गलती कर गई जो हर किलर करता है, सबूत छोड़ गई. सबूत? कैसा सबूत? जाते हुए मारिया गैलरी में एक कागज फेंक गई जो इस वक्त मेरे पास है. उस कागज में ऐसा क्या लिखा? सादिया ने उस दिन कैमरे में जो कुछ कहा वो इस कागज में लिखा हुआ. मतलब वो सब स्क्रिप्टेड था? जी बिल्कुल. नेबर से पता चला है कि सादिया के आने के बाद मारिया उससे काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी, उसमें बदलाव था और वो उससे चलने लगी थी. ओके. हाँ मैं उससे जेलस थी, क्योंकि मैं जहां भी जाती सिर्फ उसी का ही फिकर होता, सिर्फ उसे ही कास्ट किया जाता. जैसे टैलेंट सिर्फ उसमें था
मैं तो कुछ भी नहीं थी जैसे उसके आगे। अस्सलाम वालेकुम आरिया। वालेकुम अस्सलाम। तुम जाओ, आए सर बैठे। थैंक यू। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और सुने, क्या हो रहा है आजकल? न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से, उसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी नेक्स्ट वीक से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या नाम उसका, सादिया, मैं उससे मिलना चाह रहा था। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? जी सर, क्यों नहीं। तो फिर मंडे को डिनर पर मिलते हैं, बाकी प्रोजेक्ट की बातें भी कर लेंगे। मुझे जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। ओके तुम ये क्यों भूल गई कि उसे ये मकाम भी तुम्हारी वजह से ही मिला था? यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कांटे की तरह चुभने लगी थी मुझे वो। दिन के चैन के साथ साथ उसने मेरी रातों की नींदें भी तबाह कर दी हैं। इतने कम वक्त में वो इतनी तरक्की कर जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या करूं? क्या हुआ मारिया? टाइम देखा है तुमने? सॉरी यार, लेट हो गई। तुम्हें पता है मैं बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ जा रहा था? बैटरी डेड है यार, इसलिए कॉल नहीं कर सकी। अरे तो किसी और के फोन से कॉल कर लेती, जानती हो कितना परेशान हो रही थी मैं। बस क्या बताऊं यार, तुम्हें पता है वहाँ जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे ना, मुझे कास्ट करने के लिए बातें कर रहे थे, तो इसमें मैं भूल गई, ख्याल ही नहीं रहा मुझे। अच्छा बस बस, मुझे सुबह जल्दी उठना, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब तो मेरे घर जो भी आता सिर्फ सादिया के गुण का। कोई सादिया नहीं होती, आइंदा मुझे कॉल मत करना। बस एक दिन मैंने सोचा अब इस खेल को खत्म कर देना चाहिए, और उस दिन जब वो मेरे घर आई तो क्या बात है, खुशी का इरादा है क्या? नहीं, कत्ल का इरादा। किसके कत्ल का? तुम्हारे। क्या? अरे बाबा, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। अच्छा बताओ, गेस करो कि आज कौन आया था। कौन? फिल्म डायरेक्टर सुभान साहब आए थे, वो अपनी नेक्स्ट मूवी में तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। क्या वाकई मुझे अपनी फिल्म में? हाँ बाबा, उन्होंने तुम्हारा बहुत वेट किया, लेकिन तुम्हें आने में इतनी देर हो गई। क्या बताऊँ यार, इतना ट्रैफिक जैम था और फिर पैकअप भी लेट हुआ, इतनी देर हो गई। खैर बताओ उन्होंने आके क्या कहा? अच्छा बाबा बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि जैसे ही सादिया आए उसका ऑडिशन रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दो। तो ये रहा स्क्रिप्ट और ये रही गन, ताकि स्क्रिप्ट में जान पड़ जाए। स्क्रिप्ट चले? बिल्कुल चलते हैं। रेडी? पर मेरी मौत के ज़्यादा सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। एक्टिंग
करते करते तुम तो राइटर ही बन गए, स्क्रिप्ट ही लिख डाला तुमने। इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो है जो हमेशा देख रहा है, और उसकी पकड़ से इंसान कभी नहीं बच सकता। एक मुहावरा आज अच्छी तरह समझ में आ गया, नेकी कर दरिया में डाल। तुमने नेकी तो की लेकिन उससे बड़ा गुनाह कर डाला। अब तुम सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे ही रहो। काश तुम्हारा ये भयानक चेहरा सादिया देख पाती।